सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल एडिटिंग इंडिया को, और साथ ही दबाएं इस बेल आइकन को भी हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, क्योंकि दोस्तों इस पर मैं आपको डॉक्टर बनने या फिर फार्मेसी के बारे में कुछ ना कुछ बताते रहता हूँ। दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है वो हम बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने नीट, लो लगातार नीट दे रहे हैं पर उनसे उन्हें कोई सफलता नहीं मिल रही है। मैं आज ऐसा कोर्स आपके लिए लेके आया हूँ कि जिससे आप, अगर आप वो करते हैं और उसके अंदर आपने अच्छी खासी मेहनत करते हैं तो आप MBBS से भी ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे लोग जो होते हैं अपनी मेडिकल शॉप से भी मतलब काफ़ी अच्छा कर जाते हैं और काफ़ी मोटा पैसा कमाते हैं एक MBBS से भी ज़्यादा। तो आज मैं उसी कोर्स की बात करने वाला हूँ। उस कोर्स का नाम पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, कि व्हाट इज़ डी फार्म, इसके कॉलेज फीस सैलरी वगैरह आने वाली वीडियोज़ में आपको मिल जाएंगी। उसके बाद डी फार्म सबसे अच्छा कोर्स क्यों है, अगर नीट नहीं हो रहा है तो क्यों करें ये कोर्स, MBBS से ज़्यादा पैसे कैसे कमाएं, डी फार्म से बी फार्म कैसे करें सबसे आसान तरीका। जी हाँ दोस्तों, अगर आप डी फार्म कर लेते हैं उसके बाद आप बी फार्म भी कर सकते हैं और जो आपको लाइसेंस मिलेगा आप उस लाइसेंस से दुकान खोल सकते हैं और अपने पास ही रख सकते हैं। अब बात करते हैं डी फार्म होता क्या है। डी फार्म जनरली दोस्तों 2 साल का कोर्स होता है। PCB या PCM स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर, और जो कि नीट स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छा होता है। जब ये इसका 2 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको एक लाइसेंस मिल जाता है जिससे कि आप अपनी एक फार्मेसी की मेडिकल शॉप आराम से खोल सकते हैं और वहाँ पर पैसे कमा सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये डी फार्म सबसे अच्छा कोर्स क्यों है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये सिर्फ 2 साल का है, लाइसेंस मिलने के बाद आप दुकान खोल सकते हैं और साथ ही नीट की तैयारी कर सकते हैं। जैसा कि 2 साल का है तो इसका मतलब काफ़ी आसान होता है कि नीट के स्टूडेंट के लिए जो कि स्ट्रगल करता है, मतलब अब अगर अपनी अच्छी मेहनत करे वो यहाँ पर भी पास हो जाएगा, उसे 2 साल में लाइसेंस भी मिल जाएगा और साथ साथ वो अपनी नीट की तैयारी भी कर सकता है। ये तो नहीं रहेगा कि मतलब उसने 2 साल तैयारी की और 2 साल नीट नहीं हुआ तो उसकी सारी मेहनत खराब गई, ये तो नहीं होगा दोस्तों। पर उसे 2 साल बाद उसका लाइसेंस मिल जाएगा और वो अपनी अगर चाहता है तो आगे पढ़ भी सकता है, आगे बी फार्म भी कर सकता है। उसका तरीका मैं आपको आगे बता दूंगा और ये सारी बातें ही इसके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब बात करते हैं एडमिशन इसमें कैसे ले। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया 12th क्लास में साइंस होनी चाहिए कंपलसरी है, तो और PCB PCM स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। कम परसेंटेज है तो दोस्तों आपको इंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा और आपका अगर इंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो आपका आराम से एडमिशन हो जाएगा। इंट्रेंस एग्ज़ाम भी दोस्तों 2-3 टाइप के होते हैं, स्टेट के टाइप होते हैं या फिर पर्सनल कॉलेज खुद लेता है, और दोस्तों इसमें काफ़ी ज़्यादा मेरिट बेस पर भी एडमिशन होते हैं, आप देख सकते हैं कॉलेज। उसके बाद अगर नीट नहीं हो रहा है तो ये कोर्स क्यों करें। जी हाँ दोस्तों, ये नीट नहीं हो रहा है तो ये कोर्स क्यों करें। आप पहला तो जब आप 2 साल का कोर्स करेंगे और साथ में नीट की तैयारी करेंगे तो दोस्तों आपको पता लग जाएगा कि मतलब अगर नीट नहीं हुआ तो कम से कम आपके पास लाइसेंस तो रहेगा, और लाइसेंस रहेगा इसका मतलब ये है कि आपकी मेहनत वहाँ ख़राब नहीं जाएगी, कि आपने 2 साल में कुछ नहीं किया और आप अपने माँ बाप के सामने कुछ कर दिखाने की क्षमता रखेंगे, कि आपके माँ बाप भी ये नहीं सोचेंगे कि मेरे बेटे ने 2 साल ख़राब किए हैं और नीट के अंदर उसने कुछ नहीं किया 2 साल, तो उन्हें ये तो लगेगा कि कम से कम उसके पास अपना खुद का मेडिकल शॉप का लाइसेंस तो है, क्योंकि वो आगे कुछ ना कुछ अपना कर ही सकता है। अब बात करते हैं कि MBBS के टक्कर का क्यों है ये कोर्स। दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं, MBBS 5.5 साल का होता है, उसके बाद 2 साल की MD होती है, बिना MD के MBBS की वैल्यू नहीं होती। टोटल मिला के 7.5 साल कोर्स हो गया। उसके बाद दोस्त ये और जो हमारा डी फार्म है वो सिर्फ 2 साल का कोर्स है। अगर आप एक लाइसेंस लेते हैं या फिर आप कुछ करते हैं डी फार्म के अंदर और उसके बाद आप 5.5 साल उसके अंदर मेहनत करते हैं दोस्तों, आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। जब तक एक MBBS या MD की एक डिग्री कंप्लीट होगी उसके बाद दोस्तों आप पता नहीं कहाँ से कहाँ और कितना पैसा कमा लेंगे। अगर आप डी फार्म से बी फार्म करते हैं उसके बाद फिर फार्म D कर सकते हैं तो आप भी यहाँ पर डॉक्टर बन सकते हैं, आपके नाम के आगे लग सकता है आराम से डॉक्टर, ये रूल अब आ गया है, इसकी वीडियो जल्दी आने वाली है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। काफ़ी सारी वीडियोज़ में इस पर आपको लाता रहता हूँ कि ताकि आप डीमोटिवेट ना हो और जो हमारे नीट के स्टूडेंट हैं वो हार ना माने। अब बात करते हैं कि बी फार्म से डी फार्म से बी फार्म कैसे करें। जब आप डी फार्म करते हैं तो जनरली क्या होता है कि आपका डी फार्म 2 साल का होता है, और जब आप आपका डी फार्म कंप्लीट होता है तो आप उसमें बी फार्म में LE ले सकते हैं, यानी कि मतलब अगर आप डी फार्म सेकेंड ईयर में अच्छे नंबर आते हैं तो आपको बी फार्म में डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। सेकेंड ईयर में आपको वहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा, आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं।
और आगे बी फार्म की स्टडी कर सकते हैं, उसके बाद आप फार्म डी कर सकते हैं जिससे कि आपकी नाम के आगे डॉक्टर लग सकता है। दोस्तों ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे नीट के स्टूडेंट जो हैं वो हार मान जाते हैं कि हमसे अब कुछ नहीं हो सकता, हमने सिर्फ अपना टाइम ख़राब किया। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, 2 साल के कोर्सेज भी काफ़ी सारे अच्छे हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब।